में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड टाइम डोमेन प्रॉपर्टी के बारे में। ये सिक्स प्रॉपर्टी है, पांच प्रॉपर्टी पे अब तक हम बात कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, डिफरेंशिएशन से ही पता लग रहा है इसमें क्या कराया होगा, टाइम डोमेन का डेरिवेटिव लिया जा रहा होगा। तो कहती क्या, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, देन अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, डिफरेंशिएशन कर दूँ इस सिग्नल का, एक्स ऑफ टी का कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ टी का कितना हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ एक्स टी का, तब क्या होता है, तो साइड में क्या हो जाता है, एक्स ऑफ ओमेगा को जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे ओमेगा से। अगर मैं दो बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो क्या होगा, जे ओमेगा की पावर दो आ जाएगी, एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, अगर मैं एन टाइम्स के लिए निकालूं, एन टाइम्स मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, डी टी की पावर एन एक्स ऑफ टी तब क्या होगा, जे ओमेगा की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार डेरिवेटिव करना उतनी बार इसकी पावर आ जाएगी, यहाँ पर क्या करना है, एन आ जाएगी एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, फिलहाल इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। हमसे देखा एक्स टी बराबर देखा, तो हमसे पूछा है उसके डेरिवेटिव का निकालना हमें, तो निकालते हमें पता है ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, 1/a-jω होता है, राइट। अब हमसे पूछा ई की पावर टू टी यू ऑफ माइनस टी का कितना हो जाएगा, एक जगह कितना है इसमें, तो एक जगह दो लगा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2-jω हो जाएगा, राइट। अब क्या करना, अभी तो फाइव भी है, तो क्या कर देंगे, फाइव दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्या बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो भी कॉन्स्टेंट है वो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 5/2-jω। ठीक है, तो ये तो मेरा ये क्या एक्स टी, ठीक, ये तो है मेरा क्या एक्स टी, और ये क्या मेरा एक्स ऑफ ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पता है अगर डेरिवेटिव आता है तो क्या रिलेशन होता है, अगर डी एक्स अपॉन डी टी है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो एक बार जे ओमेगा से मल्टीप्लाई होगी, बस जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास है भी, तो 5/2-jω, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को रख दूंगा। ठीक है, तो यानी डी एक्स अपॉन डी टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना आ जाएगा, जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 5/2-jω। ठीक है, तो ये कितना आ गया सॉल्व होके, डी एक्स टी अपॉन डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 5/2-jω। ये क्या इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर। पर इतना ही कुछ करना होता है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जहाँ पे क्या क्या होता है, हमें कभी कभी डेरिवेटिव लेना पड़ता है फंक्शन का। ठीक है, सीधे सीधे बात नहीं बनती, वहाँ पर डेरिवेटिव से हमें काम चलाना पड़ता है, तो इस प्रॉपर्टी को भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे यूज किया हमने, ऐसे ही वहाँ पे यूज करेंगे, आगे आगे बढ़ते चलाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, उसके साथ एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही,
ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।